फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 एसएसटी के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन दूंगा। दोस्तों, इस चैप्टर में हमें रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, उसके यूटिलाइजेशन और उसके डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि चैप्टर 1 का वीडियो डालो भी समझा करके, तो मैं बता दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेचर मतलब प्रकृति ने हमारे अर्थ हमारे पृथ्वी को एक ही लार्ज वैरायटी में पत्थर, मिट्टी, मिनरल्स और वेजिटेशन, एनिमल्स को प्रोवाइड किया, मतलब हमें दिया है। ठीक है, हम इन सब चीज़ों का अपने डे टू डे लाइफ में, दैनिक दिनचर्या में हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अपनी दैनिक दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। हमें एयर चाहिए, मतलब हमें हवा चाहिए सांस लेने के लिए, वाटर चाहिए पीने के लिए, फूड चाहिए खाने के लिए। ठीक है, हम ऐसी चीज़ों को अर्थ के द्वारा ही, तो ये सब चीज़ें जो है हम अर्थ से लेते हैं। तो अर्थ को कौन दिया? तो अर्थ को नेचर ने दिया है। तो वैसी चीज़ें जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी है, हम इस प्लेनेट में, इस अर्थ प्लेनेट में, वैसे चीज़ों को हम रिसोर्सेस कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन भी एक तरह का रिसोर्स है दोस्तों, क्योंकि ये भी एक हमारे जीवन में बहुत ही हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारे जीवन में ह्यूमन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो भी एक तरह के रिसोर्स है। उसके बाद कि ह्यूमन्स का नीड जो है, ह्यूमन का नीड कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है हर दुनिया के हर एक पार्ट में। ठीक है, और हर साल, ठीक है, सबका जो नीड है, सबका जो वांट्स, वो हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं चेंज इन सोसाइटी के साथ साथ। ठीक है, पिछले ज़मानों में इम्फेसिस जो था वो ज़्यादातर दिया जाता था बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने में। वो सच एज था फूड के, क्लोथिंग में, ठीक है, और शेल्टर विच वॉज डिराइव फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट। इवन टूडे, आज भी जो पिजिम्स है अफ्रीका के, वो एडिबल प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, रूट्स खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, और एनिमल्स को हंट करते हैं। उसके बाद जो अगला है पैराग्राफ, वो है यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। किसी भी रिसोर्स का जो वैल्यू है और यूटिलाइजेशन है, वो टाइम के साथ और प्लेस के साथ वैरी करते रहता है। कहीं जैसे झारखंड में कोयले का बहुत ही उत्पादन है, तो यहाँ पर यूज भी है। ठीक है, तो हर एक जगह पर हर एक चीज़ का दाम एक जैसा नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा दाम है, कहीं पर उसका बहुत कम दाम है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ है कि यूटिलिटी और वैल्यू हर एक जगह चेंज होते रहता है। ठीक है, पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन जो था वो ज़्यादातर रिवर वैली के आसपास फ्लोरिश हुआ करता था। वो वाटर को फील्ड इरीगेट करने में हेल्प, मतलब लिया करते थे। ठीक है, वाटर जो है इरिगेटिंग फील्ड में हेल्प किया करता था। उसके बाद आज भी वाटर, आज लेकिन आज ह्यूमन बींग्स जो है वो वाटर को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेविगेशन में यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, एनर्जी जनरेट करने में यूज हो रहा है, मतलब विंड एनर्जी भी बन रहा है अब हर एक देश में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब जैसे जैसे सिविलाइजेशन, मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, वैसे वैसे चीज़ें भी अब डिफरेंट होती जा रही है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन। जब रिसोर्स है तो उसका यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, रिसोर्सेज बिकम यूजेबल व्हेन दे प्रोसेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन इज कन्वर्टेड इंटू यार्न, ऑन फर्दर प्रोसेसिंग इट इज़ कन्वर्टेड इंटू फैब्रिक, देन फाइनली इंटू गारमेंट्स। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि रिसोर्सेज तभी यूजेबल होंगे जब उसको हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, कॉटन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं यार्न में, उसके फिर कुछ प्रोसेस से हम यार्न को सीधा फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे, और फैब्रिक को सीधा हम गारमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 6 जो दिए हुए अवेलेबिलिटी, मतलब यूटिलाइजेशन कैसे होता है रिसोर्स का, ठीक है, क्या क्या होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आ सकता है ये 3 नंबर का क्वेश्चन पिछले बार आया था, प्री बोर्ड में भी आया है और फर्स्ट टर्म में भी आया है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि मेरे 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे दोस्तों, तो मैंने इसमें नोट्स बना रखा है, तो मैं आपको दूंगा। ठीक है, फिर मैं आपको
प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा या फिर वहाँ दूंगा आपको कम्युनिटी टैब में। और फिर आपको बहुत ही ज़्यादा मेरे 1,000 सब्सक्राइबर्स हो जाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे 1,000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने में मेरी हेल्प कीजिए। इस वीडियो से मैं 5 लाइक एम करता हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे 5 लाइक दीजिए दोस्तों, 5 से 10 लाइक इस वीडियो में दीजिए, क्योंकि मेरे व्यूवर्स तो बढ़ते जा रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि यदि आपको किसी और चैप्टर का वीडियो चाहिए, ठीक है, तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब चलिए, यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि इनिशियल एज जब यहाँ पर मैंने ये 6 को नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। देखिए, किसी भी देश में जब यदि वो देश आगे बढ़ रहा है, यही 6 चीज़ों के कारण बढ़ रहा है। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अवेलेबलेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्किल ह्यूमन बींग होने चाहिए, कैपिटल होना चाहिए मतलब पैसा होना चाहिए, वाटर का भी अवेलेबिलिटी होना चाहिए, और एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, मतलब उस देश का जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ज़्यादा आगे होना चाहिए, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी वहाँ उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि एक डेवलप्ड कंट्री जैसे USA और एक डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया जहाँ हम रहते हैं। एक डेवलप्ड कंट्री में क्या हुआ कि ये सब चीज़ें है वहाँ पर अभी अवेलेबल, ठीक है, वो एक डेवलप्ड कंट्री क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में अभी वो डेवलप कर रहा है, वहाँ पर अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उसको डेवलप करने हैं, तो वो कब डेवलप करेगा, तो ये जब ये 6 चीज़ उनके पास रहेंगे तब वो डेवलप करेगा। किसी भी कंट्री को डेवलपिंग में बहुत ही यदि इंडिया डेवलप हो रहा है तो ये मैन के कारण हो रहा है, मैन के एफर्ट के कारण हो रहा है, हर एक फील्ड में भी इंडिया अब डेवलप करता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, रिसोर्सेज को 4 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, और 4th पार्ट जो वो क्या क्या है, रिन्यूएबिलिटी, ऑरिजिन, ऑक्यूरेंस ऑफ और डेवलपमेंट, ठीक है। रिन्यूएबिलिटी मतलब उसके अंदर 2 आते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ऑरिजिन के अंदर बायोटिक और एबायोटिक, ऑक्यूरेंस के अंदर नेचुरल मेनमेड और डेवलपमेंट के अंदर पोटेंशियल और एक्चुअल, ठीक है। रिन्यूएबिलिटी में पहले हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम वैसे रिसोर्सेज को कहते हैं जो कि वापस से रिन्यूड हो जाए कम शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में, ठीक है, कुछ ह्यूमन एफर्ट से रिन्यू हो जाए और कुछ नेचुरली रिन्यू हो जाए, तो वैसे को हम लोग कहते हैं रिन्यूएबिलिटी। लेकिन जो एक बार यूज हो जाने के बाद जब फिर से रिन्यू नहीं हो पाए और मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाए उसे रिन्यू होने में, तो वैसे को हम लोग कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, एग्जॉस्टिबल, ठीक है। इसका एग्जांपल कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। और यहाँ पर आपका जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल है वो है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आपको ऑरिजिन में मैंने कहा कि दो चीज़ों में बांटा गया है, पहला है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक, पहला है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज को कहते हैं जो हमें बायोस्फीयर से मिला है और उसमें लाइफ हो, ठीक है, उनमें जीने की क्षमता हो, जैसे लिविंग बींग्स, ठीक है, वैसे को हम लोग कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। और जितने भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज है किसी भी देश में, किसी भी वर्ल्ड में, तो वैसे चीज़ों को हम लोग एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि मिनरल्स, लैंड, वाटर, ठीक है। और बायोटिक रिसोर्सेज का एग्जाम्पल तो आप समझ सकते हैं, बर्ड हो गया, एनिमल हो गया, फिश हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, हो गया। तो ऑक्यूरेंस क्या है, ऑक्यूरेंस मतलब उसका ऑक्यूरेंस कैसे हुआ, मतलब वो कैसे ऑकर किया है। इसमें 2 टाइप में बांटा गया है, पहला है नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचुरली आए हैं प्रकृति में, ठीक है, या फिर नेचर में आप बोल सकते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरली आए हैं, ठीक है, वैसे रिसोर्सेज हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल में हो जाएगा फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, ये सब एसेंशियल भी है ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। वाटर एक नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके बाद जो सेकेंड वो मैनमेड, तो मैनमेड रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज को कहते हैं जो लोगों के नीड को देखते हुए मैन की तरह बनाए गए हों और बहुत ही एसेंशियल वो भी है, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, ठीक है। उसके बाद आपका रोड्स,
ठीक है, ये हमारे लिए एसेंशियल है, ठीक है, लेकिन ये नेचुरल नहीं, ये मैन मेड है, ये मैन के द्वारा बनाए, मैन के एफर्ट द्वारा बनाए गए रिसोर्सेस है, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपिंग कैसे हुआ, मतलब उसका डेवलपमेंट क्या है, कैसे डेवलप हुआ है वो, तो इसमें दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरे उसमें लाइट प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं फ्लैश लाइट ऑन है, ठीक है। तो अवेबिलिटी में दो टाइप में बांटा गया है, पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज और दूसरा है एक्चुअल रिसोर्स, ठीक है। जो भी रिसोर्सेज कंट्री में अवेलेबल है और फुली टैप नहीं है, वैसे रिसोर्सेज को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। और जो सेकेंड है वो है एक्चुअल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज जो है वो है कि वो कंट्री में है लेकिन उसका जो क्वांटिटी है वो असर्टेन है, मतलब उसका जो क्वांटिटी है कोई सर्टेन नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या बहुत कम है, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन लगभग बार आता है, मैंने डीप स्टडी किया है सैम्पल पेपर्स को और क्वेश्चन पेपर्स को, तो मैंने ये पाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन हर बार रहा है। तो आपको इस टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर है क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसे डेवलपमेंट्स को हम लोग कहते हैं जो प्लेस तो लेते हैं लेकिन एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए हुए, ठीक है, ये प्रेजेंट के नीड्स को मीट करते हैं लेकिन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर। तो इसको क्वेश्चन आता है क्यों इसको हम लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए जुडिशियली, ठीक है, जुडिशियली सॉरी, इसलिए यूटिलाइज जुडिशियली करना चाहिए क्योंकि उनका जो क्वांटिटी है वो तो सीमित है और यदि हम लोग उसको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचा के नहीं रखेंगे तो आगे जनरेशन्स के लोगों को इससे इसका कठिन सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसके तीन पॉइंट्स दिए गए हैं, यूज ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज जुडिशियली, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज हमें ज़्यादातर करना है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसका यूज हमें कम से कम करना है, ठीक है। हमें किसी भी नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीनेशन को रोकना है, मिनिमाइज करना है, उसके बाद वैल्यूबल स्पीसीज को बचाना है, जैसे कोई भी स्पीसीज आज इनडेंजर्ड हो रहा है, एक्सटेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो सब चीज़ों को हमें रोकना है, हंटिंग को रोकना है, पोचिंग को रोकना है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाने होंगे सरकार को, ऐसे ऐसी चीज़ें करने से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है फ्यूचर जनरेशन के। तो फ्यूचर जनरेशन हमारे लिए, हमारे द्वारा ही फ्यूचर जनरेशन है, मतलब यदि हम उनके लिए कुछ छोड़ेंगे तब ना फ्यूचर जनरेशन जो है यूटिलाइज करेंगे, जब हम लोग कुछ छोड़ेंगे तो फ्यूचर जनरेशन यूटिलाइज क्या करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, इसमें सीधा जो यहाँ पर जो टॉपिक है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सीधा आपको कंजर्वेंस बता देता हूँ, कंजर्वेशन से, ठीक है। कंजर्वेशन जो है वो किसी भी रिसोर्सेस का सस्टेनेबल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, रिसोर्सेज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप समझ ही गए, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना, उनके लिए हल्का सा छोड़ देना, मतलब हम किसी भी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो है अपनी ज़रूरत के अनुसार ही करें, ज़्यादा जो है उनका नहीं करें, या फिर यदि कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था है हमारे पास तो उनका यूज ही ना करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन में कोई भी फ्यूचर जनरेशन वालों को कठिनाई का सामना ना करना पड़ सके, ठीक है। यही हुआ था ये जो, यही है ये चैप्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको 5 R's जो फॉर्मूला है ये आपको पढ़ना है, 5 R's फॉर्मूला है क्या, पहला है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज और रीथिंक। दोस्तों सॉल्यूशन वीडियो आपको यदि चाहिए तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। यदि इसमें मुझे 10 लाइक जल्द से जल्द मिलेंगे तो जितने जल्दी मुझे 10 लाइक इसमें मिलेंगे मैं सॉल्यूशन वीडियो डाल दूंगा दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं सॉल्यूशन वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।